नमस्कार, मैं अनिल गलगली, DRV न्यूज़ के माध्यम से आपके सामने। मैं आज जो मुंबई महानगर पालिका ने वैक्सीन की खुराक के लिए जो ग्लोबल टेंडर जारी किया था उसकी कहानी बताने जा रहा हूँ। आज मुंबई में जिस तरह से वैक्सीन सेंटर पर बड़े पैमाने पर भीड़ इकट्ठा हो रही है, लेकिन लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही है, जिस तरह से वैक्सीन की किल्लत सता रही है, उससे आम नागरिक परेशान है। सबसे बड़ी बात है कि इसी बीच DRV न्यूज़ में खबर दिखाने के बाद मुंबई महापालिका के जो कमिश्नर है मिस्टर इकबाल सिंह चहल, उन्होंने मुंबई में ऐसे कई स्थानों पर नए वैक्सीन सेंटर को भी शुरू करने की मंजूरी दी है। उससे आज नागरिकों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन वैक्सीन सेंटर तो खुल गए हैं मगर वैक्सीन कहाँ पर है? आज भी कई सारे जो केंद्र बनाए गए हैं वहाँ पर लोग जा रहे हैं, लेकिन उन्हें वैक्सीन नहीं मिल रही है। बीच के दिनों मुंबई महानगर पालिका ने, मुंबई के कमिश्नर मिस्टर इकबाल सिंह चहल ने घोषणा की थी वैक्सीन के लिए, उन्होंने ग्लोबल टेंडर जारी किया है। इस ग्लोबल टेंडर की जो सीमा थी 18 मई 2021 तक, लेकिन दुर्भाग्य से कल जब 18 मई को दोपहर को 3 बजे उस टेंडर को हमें ओपन करना था, किसी भी कंपनी ने उसे रिस्पॉन्स नहीं दिया, जिसके वजह से जो महानगर पालिका के जो अतिरिक्त आयुक्त है जो इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का जिम्मा संभालते हैं पी वेल्ला रसु, उन्होंने इस टेंडर की अवधि को और 7 दिन बढ़ाया है। सबसे बड़ी बात है कि मुंबई महापालिका ने पहली बार इस तरह का ग्लोबल टेंडर निकालने की घोषणा की है, जबकि कोरोना के काल में पिछले 1.25 सालों में उन्होंने कई सारे ऐसे काम बिना टेंडर जारी किए या स्पॉट टेंडर जारी करते हुए उस काम को पूरा किया। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जब ग्लोबल टेंडर की बात हुई, तब राज्य के जो उप मुख्यमंत्री हैं, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी है अजीत पवार, उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे कामों के लिए हमें ग्लोबल टेंडर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें अर्जेंसी है, लोगों को हमें वैक्सीन देने की आवश्यकता है। लेकिन मुंबई महापालिका ने पहली बार इस तरह का ग्लोबल टेंडर जारी करते हुए एक तरह से पारदर्शक होने का दावा तो किया है, लेकिन दुर्भाग्य से किसी भी कंपनी ने उसे रिस्पॉन्स नहीं दिया है। अगर आप ग्लोबल टेंडर की शर्त को गौर से अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें क्लियर किया हुआ है, जिस भी कंपनी को इस तरह का टेंडर उसमें विन होती है या टेंडर में वो प्रथम स्थान पर आते हैं, तो उन्हें 3 सप्ताह में पूरे की पूरी वैक्सीन की हमें उपलब्धता उन्हें कराने के लिए उन्होंने अनिवार्य किया है। निश्चित तौर पर आज जिस तरह से जो अलग अलग जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं, उन्होंने विदेश से भी सौदा किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी बात उनकी शुरू है, और कई जगह पर उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को भी वैक्सीन देने का दावा किया है और वादा भी किया है। तो ऐसे में अगर वैक्सीन की अगर आपूर्ति 3 सप्ताह में कैसे हो सकती है, तो निश्चित तौर पर मुंबई महापालिका ने जो टेंडर जारी किया है उसमें जिस तरह की शर्त उन्होंने अनिवार्य की है, उससे शायद किसी भी कंपनी को वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से उनका समझौता नहीं होने की वजह से या उस तरह की डिमांड पूरी न करने के डर की वजह से किसी ने भी टेंडर में हिस्सा नहीं लिया। मेरा मानना है कि इस तरह की अर्जेंसी में जब आप कोरोना के काल में आपने कोविड सेंटर बनाए, आपने दवाइयाँ खरीदी, आपने वेंटिलेटर खरीदे, आपने ऑक्सीजन बेड खरीदे और आपने कई सारे ऐसे कामों पर पैसे खर्च किए, वहाँ पर आपको ग्लोबल टेंडर निकालने की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी? तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं तो अजीत पवार की जो बात है उसमें हम भी सहमत है कि जब लोगों को ज़रूरत है, डिमांड ज़्यादा बढ़ चुकी है, वैक्सीन सेंटर तो आपने खोल दिए हैं मगर वहाँ पर वैक्सीन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में महानगर पालिका को ग्लोबल टेंडर के बजाय जल्द से जल्द जो भी व्यक्ति, जो भी कंपनियाँ इस तरह की वैक्सीन उपलब्ध कराता है, हमारे पैसे को बचाता है, तो उसे काम देना चाहिए ताकि मुंबईकरों को समय पर वैक्सीन मिले। अगर ये वैक्सीन अगर हमको समय पर मिलती है तो निश्चित तौर पर उसका लाभ होगा, कोरोना के केसेस कम होंगे और कहीं ना कहीं तो जो कोविड सेंटर पर, मनपद के अस्पतालों पर, सरकारी अस्पतालों पर या निजी जो उन्होंने कोविड सेंटर अलग अलग बनाए हैं उस पर हम करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो उसमें बचत तो होगी और बेमतलब जो जाने जा रही है उस पर हम नियंत्रण पा सकते हैं। धन्यवाद।